करनाल में महाशिवरात्रि के पर्व पर निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर करण गेट से लेकर सराफा बाजार तक शिव मंदिर को जाने वाले रास्ते पर व्यापारियों द्वारा अपने व उपभोक्ताओं के वाहनों को सड़क से हटाने के निर्देश पुलिस प्रशासन द्वारा दिए गए थे, लेकिन महाशिवरात्रि की शोभा यात्रा निकालने के समय तक सड़क को खाली नहीं किया गया, बल्कि स्थानीय प्रशासन पर व्यापारियों द्वारा असंयमता के चलते एक दबाव बनाने की कोशिश भी की गई और व्यापारियों द्वारा दुकानें बंद कर रोष भी जताया गया। आप भी देखें कि व्यापारी स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध कैसे रोष जता रहे हैं। बीजेपी सरकार को इसलिए नहीं मनाया था कि कला घोट दो हमारा, ये कल घोटू सरकार हो गई है, तो ऐसे लग रहा है। हमने सरकार को जो बनाया था ना, व्यापारियों की सेफ्टी के लिए बनाया था, भाई यहाँ सीएम साहब आएंगे तो व्यापारी की सेफ्टी होगी, यहाँ पे व्यापारी की कोई सेफ्टी नहीं है, पब्लिक कोई सेफ्टी नहीं है। मुख्यमंत्री जी करनाल में क्या हो गया है? आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासन ने व्यापारियों को इस होने वाली शोभा यात्रा को लेकर पहले ही सूचना जारी करके चेता दिया था, उसके बाद भी व्यापारियों ने स्थानीय प्रशासन का सहयोग ना कर असंयमता का परिचय दिया। यहां हम आपको बता दें कि शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत करनी थी, इसलिए भी व्यापारियों ने असंयमता का परिचय देते हुए स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध रोष जताया और प्रशासन पर दबाव बनाने की स्थिति पैदा की। इसे जिला के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने स्वतः संज्ञान लेते हुए व्यापारियों को शांत करवाया। देखिए एक रिपोर्ट। वहाँ से पता लगा कड़ा जुड़ा हुआ एसएचओ साहब के साथ महसूस हुई है। अच्छा, उस चक्र बाजार पर बाकी प्रधान जी जाएंगे, नहीं पकड़ साहब का है, किसी ने कोई गलत बोला है? क्या बात हुई, डरता भी है। आपको रोकने फिर आप क्या करोगे? आपकी यात्रा आने से रोकेंगे, आपका क्या हर्ज होगा? आप ये बताओ, हम हमारे साथ अब ये देखो ना, आपकी यात्रा रोकर रोकेंगे वो तक भंडारा शुरू हो जाएगा जी। अभी एक भी जाके निकली यहाँ से अभी नहीं, कोई भी जाते हैं बारिश करके तो हमने तीन बजे आएगी, लेकिन आपकी यात्रा रोके आप क्या करोगे जी? जी भाई साहब, ये जो अब आपके जो यात्रा लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि आपने दरबार में दर्शन बंद कर दिए, ये किस तरह से देख रहे हैं? आपने तो काले झंडे उठा लिए, काले झंडे दिखाने का यहाँ पर कार्यक्रम बना लिया है। काले झंडे क्यों दिखा रहे हैं? काले झंडे यहाँ पर दिखाए जाएंगे, दुकानदार रहेंगे, दावा कर रहे हैं अगर ये विवाद अभी ना खत्म हुआ तो हम मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाएंगे। आप सभी से अपील है कि इस मामले को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।